हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट को लिंक करना है तो मेरे वीडियो पूरा इन तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल के आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो हम लोग अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा थ्री लाइन का ऑप्शन। तो हम लोग थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। तो हम लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट का ऑप्शन। तो हम लोग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शेयरिंग टू अदर एप्स। तो हम लोग शेयरिंग टू अदर एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा फेसबुक का ऑप्शन। तो हम लोग फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट सेंटर, जो हमारे फेसबुक आईडी का नेम है, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरा फेसबुक आईडी का नेम। तो हम लोग नीचे देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड का ऑप्शन, जो मेरा फेसबुक आईडी का नेम है, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम लोग ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट लिंक हो गया। तो हम लोग इस तरह से इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से नॉट नाउ वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड हम लोग इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट को इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से अपने इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।